वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में देखो यहाँ पर दो फोर व्हील ड्राइव कार्स के बीच में फाइट होने वाली है। तो भाई अपनी सबसे पहली कार है सेंट मोका फोर व्हील ड्राइव कार, दूसरी वाली कार है जेस्चर सेंसिंग क्लाइंबिंग कार। दोनों ही कार जो है फोर व्हील ड्राइव पे चल सकती है, बड़ी ही धमाकेदार कार है। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट, करते हैं पहले दोनों की अनबॉक्सिंग। दोनों ही कार्स को निकाल लेते हैं बॉक्स के अंदर से फटाफट से बाहर, फिर चलेंगे बाहर। सबसे पहले मैं ओपन करूंगा स्टंट मोका फोर व्हील ड्राइव। देखो गाइस पूरी तरीके से ग्रीन कलर में मिलती है हमें ये कार। इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस मोका कार को खरीद भी सकते हो। फटाफट से इसको मैं निकालता हूँ यहाँ से। ओ भाई क्या ही लुक है यार इसका, देखो कितनी ज्यादा बड़ी नजर आ रही है अपनी कार। ओ भाई पहले मैं इसको निकाल कर यहाँ पर रख देता हूँ, बहुत ज्यादा वेट भी है इसका। ये रहा इसका रिमोट और ये रही यहाँ पर इसकी बैटरी। 7.4 वोल्ट 500 mAh की बैटरी मिलती है इसके साथ। अभी अनबॉक्स करते हैं ये वाली कार, इसका भी साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर देखो एक वॉच भी मिलती है हमें इसके साथ, ताकि हम इस वॉच से इस कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये आ गई देखो गाइस अपनी कार बाहर। ये दोनों ही कार जो है अपना शेप भी चेंज कर सकती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके साथ जो हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है। ओ माय गॉड देखो गाइस इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। इस पे इसकी ये तगड़ी वाली बैटरी और ये जो बैटरी है 1200 mAh की है। इसका इतना बड़ा वाला रिमोट, रिमोट के अंदर बटन्स तो देखो गाइस कितने ढेर सारे बटन्स दिए हुए हैं। और ये है इसकी जेस्चर सेंसर वाली वॉच। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले दोनों का साइज कंपेयर करके देख लेते हैं। जो कार है इससे थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है व्हील्स के मामले में। देखो गाइस इसके व्हील्स जो है इसके मुकाबले बड़े बड़े व्हील्स दिए हुए हैं, पर इसके व्हील्स देखो इसके अंदर अजाइल व्हील्स लगे हैं। पर इसका ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। ये देखो मैंने इसके अंदर बैटरी डाली थी अभी। इसके अंदर जो है इतने ढेर सारे लाइट्स देखने को मिलते हैं, इस तरफ व्हील्स के अंदर भी लाइट्स दिए हुए हैं, साउंड सिस्टम भी दिया हुआ है। कार है यहाँ से पूरी तरीके से फोल्ड भी हो जाती है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। ग्रीन कलर RC कार के बारे में क्या ही खतरनाक सा लुक देखने को मिलता है। व्हील्स बहुत ही ज्यादा फ्लफी है, पूरी तरीके से फोल्ड होकर अपना शेप भी चेंज कर सकती है। और इसको जो हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसे ऑन किया है ये थोड़ा सा झटका मारने लगती है। तो इसकी भी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा मजबूत है। इसका रिमोट देखो गाइस सबसे खास चीज, दोनों ही रिमोट जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। पीछे दो AA बैटरीज डालनी होती है। इसकी क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है। इतने ढेर सारे बटन्स है यहाँ पर, कोई भी ट्रिगर नहीं है। इनको यूज करके हम इस कार को जो है पूरी तरीके से कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कोई भी डायरेक्शन में चला लो, ये जो कार है काफी मजेदार तरीके से चल जाती है। ये देखो इस तरह से जो है अपना ये शेप चेंज कर सकती है। ये देखो भाई, चलो दोस्तों चलते हैं बाहर, दोनों के बीच में कराएंगे फाइट। देखते हैं दोनों में से कौन जीतता है, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा सुपर फास्ट। लेट्स गो। तो भाई सबसे पहले अपनी ये जो ब्लैक कार है इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने मेरे हाथ पर बांध लिया है इसका जेस्चर सेंसर वॉच। तो देखो गाइस इस तरह से हम लोग इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं और पूरी तरीके से 360 डिग्री भी कंट्रोल कर सकते हैं इस वॉच को अपने हाथ पर बांधकर। तो रिमोट के अंदर जितने भी फीचर्स है ये सारे फीचर्स अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो इस तरह से जो हम लोग राइट को लेफ्ट को टर्न कर सकते हैं और इस तरह से ड्रिफ्ट वगैरह भी मार सकते हैं इस रिमोट को यूज करके। और देखो गाइस इस तरह से ये डांस भी करा सकते हैं हम अपनी कार को। ये देखो किस तरह से डांस कर रही है। और देखो इस तरह से पूरा साइड बाई साइड भी चला सकते हैं और वर्टिकली डायगनली भी चला सकते हैं ना गाइस, गजब की चीज। इतने ज्यादा बटन्स मैंने आज तक कोई भी रिमोट के अंदर नहीं देखे। इस तरह से आप साउंड वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हो इसके अंदर। और देखो गाइस यहाँ पर इसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह भी आप लगा सकते हो। इसके अंदर जो है 5-6 सॉन्ग्स भी मिल जाते हैं हमें। तो अभी ग्रीन कार को टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखो गाइस ये क्या ही शेप चेंज करती है भाई साहब। ये देखो ये भी इस तरह से ड्रिफ्ट वगैरह मार सकती है। ओ भाई क्या ही ड्रिफ्ट मार रही है यार गजब। ये देखो गाइस इस तरह से फटाफट से अपना शेप चेंज कर सकती है ये अपनी ग्रीन कलर की कार। दोनों के बीच में स्पीड टेस्ट, देखते हैं दोनों में से कौन जीत पाता है। ओ भाई थोड़ा सा अपनी जो ग्रीन कार है ना यार थोड़ा सा आगे चल रही है। ओ भाई यहाँ पर दोनों में टक्कर होते होते रह गई यार। तो देखते हैं, ओ भाई ग्रीन कार फिर से गिरते गिरते बच गई भाई साहब। दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही है और यहाँ पर विनर है ग्रीन कार। तो भाई अपनी ब्लैक कार के पीछे देखो मैंने स्पाइडर मैन की खतरनाक वाली कार बांध दी है। देखते हैं अभी इसको पुल कर पाती है कि नहीं। ओ भाई काफी आसान तरीके से इसको पुल करके लेके जा रही है, यानी कि इसके अंदर काफी ज्यादा गजब की पावर है। तो अभी अपनी ग्रीन कलर की कार को ट्राई करते हैं। ओ भाई ये भी देखो यार इसके अंदर भी बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ही इजी तरीके से इसको पुल करके लेके जा रही है। तो भी अभी एक दूसरे का वेट कैरी करा के देखते हैं। देखो ब्लैक कलर की कार जो है अपनी ग्रीन कलर की कार को किस तरह से कैरी कर रही है। तो अभी ग्रीन कलर की कार जो है अपनी ब्लैक कलर की कार को भी कैरी करके लेके जा रही है। ओ भाई गिर गई थी, अभी गिरते गिरते बच गई वापस से।
कराते हैं, दोनों के बीच में पुश बैक, देखते हैं कौन जीत पाता है। तो भाई यहाँ पर देखो यार, दोनों के बीच में काफी ज्यादा कांटे की टक्कर चल रही है। ओ भाई, ग्रीन कलर की कार नीचे गिर गई। एक और बार ट्राई करते हैं गाइस, यहाँ पर दोनों का मैंने शेप चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर देखो अभी ग्रीन कलर की कार में जो है थोड़ा सा दम नजर आ रहा है, ये अभी इसको पूरा पीछे ढकलने के लिए कोशिश कर रही है। देखते हैं इसको पीछे ढकेल पाती है कि नहीं। ओ भाई देखो यार, ढकेल दिया इसने और यहाँ पर ये जीत गई है। यहाँ पर कराते हैं दोनों के बीच में थग ऑफ वॉर, देखते हैं यहाँ पर कौन जीत पाता है। तो यहाँ पर क्लियरली विनर देखो गाइस अपनी ब्लैक कलर की कार है, इसको बहुत ही इजी तरीके से ये इसको खींच के लेके जा रही है। पे कराते हैं रैंप टेस्ट, देखते हैं कौन जीत पाता है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर की कार ने मार दिया है जंप और ये ज्यादा दूर तक गई नहीं गई, ये देखो नीचे गिर चुकी है। तो अभी ग्रीन कलर की कार को ट्राई करा के देखते हैं रैंप पे से। तो भाई ये तो थोड़े सी दूर जंप कर चुकी है, ये देखो गाइस ये वापस से नीचे गिर चुकी है। और अपन इसका शेप चेंज करते हैं, मैंने देखते हैं कितनी दूर तक कूद पाती है। ओ भाई क्या ही नीचे टकराई है, देखो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, काफी अच्छे से जंप मारा था इसने। ऑफ रोड में किस तरह से चलती है ग्रीन कलर की कार, काफी अच्छे से चल रही है, इसको कोई भी दिक्कत हो नहीं रही थी। यहाँ पर ब्लैक कलर की कार भी देखो काफी इजी तरीके से ऑफ रोड में चल रही है। तो भी यहाँ पे कराते हैं इन दोनों का खतरनाक वाला टेस्ट, पत्थरों पर से चढ़ा के देखते हैं चढ़ पाती है कि नहीं। तो अपनी ब्लैक कलर की कार देखो गाइस कोशिश कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, पर इसके व्हील्स जो है बहुत ही ज्यादा स्किड कर रहे हैं। ग्रीन कलर की कार को भी टेस्ट कर लेते हैं। ओ भाई इसको तो देखो यार, काफी इजी तरीके से ये पत्थरों पर से भी चढ़ रही थी, इसके अंदर ग्रिप काफी ज्यादा गजब की है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हिल क्लाइंब भी करा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो गाइस 40 डिग्री का हिल क्लाइंब है। तो अपनी ग्रीन कलर की कार जो यहाँ से काफी आसान तरीके से निकल चुकी है, अपनी ब्लैक कलर की कार को भी ट्राई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फंस चुकी थी तो अभी कोशिश कर रही है निकलने के लिए। तो ये देखो गाइस ये भी यहाँ से निकल चुकी है। ब्लैक कलर की कार के अंदर डेमो वाला बटन भी मिलता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं देखो ये जो कार है इस तरह का डांस वगैरह दिखाने लगती है। और इसके अंदर लाइट्स तो देखो गाइस क्या ही लाइटिंग दी है भाई इन लोगों ने, अपनी ग्रीन कलर कार के अंदर कोई भी लाइट्स वगैरह देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही कार जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर देखो मैंने दोनों का बैटरी टेस्ट किया था, बहुत देर तक मैंने इनको दौड़ाया था, देखते हैं दोनों में से। ओ भाई यहाँ पे देखो अपनी ग्रीन कलर की कार जो है रुक चुकी है, अपनी ब्लैक कलर की कार देखो गाइस अभी भी चल रही है, यानी कि इसकी बैटरी बहुत ही ज्यादा गजब की है। तो भाई दोनों ही कार्स के बीच में जो फाइट थी ना एकदम तगड़ी वाली थी। दोनों कार्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी नजर आई मेरे को, इसके जो पीछे के व्हील सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो कार है सिर्फ टू व्हील ड्राइव पर ही काम कर रही है। इसके अंदर मेरे को सभी चीजें एकदम परफेक्ट लगी, फोर व्हील ड्राइव काम कर रहा है, काफी अच्छी तरीके से लाइट्स आ रही है। इसका जो जेस्चर सेंसिंग वॉच है इसके अंदर मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, बकल देख रहे हो गाइस यहां पर तीन बटन आते हैं, एक देखो सिर्फ एक ही बचा है, बाकी दो यहां पर टूट चुके हैं। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों कार में से कौन सी कार एकदम तगड़ी लगी, कौन सी कार एकदम सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी। दोस्तों आज मैं देने वाला हूं 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहां पे सबसे पहला नाम आ जाता है शैलेंद्र कुमार, सलमान, कुलदीप कुमार, हमजा, अरहान अंसारी, अनीश, शॉन, सिद्धार्थ, ग्रंथ अग्रवाल और इत्रा पॉल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी आप अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार आरसी फाइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।